मुबारक हो पाकिस्तानियों, ये गाना स्पेशली आप लोगों के लिए बना हुआ है। अब तो आदत सी हो गई है मुझको। मुबारक हो दोबारा से। पाकिस्तान की जो शाहीन के प्लेयर थे वो सेमीफाइनल में हार चुके हैं, और हारे पता किससे हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्लब क्रिकेटर से। उनमें कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं उनमें से भी कोई भी प्लेयर नहीं था, उनके डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर थे उनमें से एक भी प्लेयर नहीं था। जैसे आप लाहौर कलंदर को उठा के देखो, प्लेयर डेवलपिंग प्रोग्राम करते हैं ना, वो प्लेयर को पिक करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रूम करते हैं प्लेयर को, उनमें से कोई एक आधा प्लेयर था, लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्लेयर थे जो सिर्फ और सिर्फ क्लब की तरफ से खेलते थे। उनसे पाकिस्तान के मेन जो प्लेयर हैं वो हार के आ गए हैं। मेन मैं इस वजह से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के जो शाहीन है, सेकंड स्ट्रेंथ है ना हमारी, सेकंड स्ट्रेंथ के 11 प्लेयर थे ना, उनमें से सेकंड में से जो 11 प्लेयर थे उनमें से 6 से ज़्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की मेन टीम से खेल चुके हैं, और वो खेलने के दावेदार भी हैं। सबसे बड़ा नाम, बहुत ही प्यारा नाम, और कैप्टन है वो, सेम ये हारिस रो मोहम्मद हारिस, सेम बाबर आजम के लाइन पर चल रहा है। ओपनर आता है, पूरा 2 साल इधर नाक में और दमाक में दम किया हुआ था कि मुझे ओपनर नहीं खिलाते, मैं ओपनर खेलूं तो मैं आपको ऐसे ऐसे 50 मार दूं। जितने भी शाहीन में इसने मैच खेले एक में भी उसकी 50 नहीं है। जितना भी ये श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल के आया है, 10 मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक 50 है। और इंटरव्यू उठा के देखो इसका, 50 मारना ऐसे ऐसे, मैं ओपनर रहा हूँ 50 ऐसे मार दूंगा, मार ही नहीं आपने। वो क्लब क्रिकेटर के सामने आप लोगों की बैटिंग फ्लॉप हो गई, सेमीफाइनल में आप लोग हार गए हो, और पाकिस्तान की सेकंड स्ट्रेंथ बोला जा रहा है आप लोगों को। पाकिस्तान के शानदार बैटर मोहम्मद हारिस की कल से ये LPL में खेली गई शॉट इंटरनेट पे हर जगह नजर आ रही है, जहां उन्होंने जिगर गुर्दा दिखा के बड़ी बहादुरी से क्या शानदार शॉट खेली है। और आपके पूरी पाकिस्तान टीम में इस टाइम बाबर आजम हो, रिजवान हो, इफ्तिखार अहमद हो, चलो अगर आपने शादाब को भी बैटर कहना है तो उनको भी मिला लें, ये सब मिलके भी आ जाए ना और अपनी हिम्मत इकट्ठा कर लें, अपना जिगर गुर्दा इकट्ठा कर लें, तो वो ये शॉट नहीं खेल सकते। अच्छा, अब हमारे डड्डू फैंस पता क्या कहेंगे, वो जी LPL में उसका कलेक्टिवली स्कोर देखें कुछ नहीं है, एक शॉट से क्या होता है। भाई, एक शॉट से ही सब कुछ होता है। पाकिस्तान टीम की तरफ से जितने भी प्लेयर खेलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की तरफ से हो, पाकिस्तान के जो शाहीन हो उसकी तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान की मेन टीम से, बड़े स्टेज पर आकर जब बड़ा मैच होता है, प्रेशर इनसे हैंडल ही नहीं होता। पता नहीं क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बड़ी स्टेज पर आकर चूक कर जाते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। अब सेमीफाइनल में हार गए ये लोग, इनका जुआस बनता था सेमीफाइनल में आकर हारना। उससे पहले मीडिया पर चर्चे हो रहे थे पाकिस्तानी शाहीन बैट्समैन के, कि कोई 50 लगा रहा है, कोई सेंचुरी लगा रहा है, और 50 सेंचुरी पता कौन लगा रहा था, सिर्फ एक प्लेयर ने सेंचुरी लगाई थी, वो इरफान नियाजी ने, उसके अलावा किसी ने भी सेंचुरी नहीं लगाई। और 50 जो लगाई है एक दो प्लेयर ने लगाई है, हसीबुल्ला की 50 थी, हारिस मोहम्मद हारिस जो कैप्टन है, ओपनर आते हैं, ओपनर में आके बैटिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मैच ही उसने 30 से ऊपर रन बनाए हैं। उस्मान खान पाकिस्तानी मेन टीम में शामिल है, UAE से उसने अपना नाता ख़त्म कर लिया है, पाकिस्तान की तरफ से वो खेलना चाहता है, लेकिन शाहीन में शामिल है वो प्लेयर, क्लब क्रिकेटर के सामने उसका मुकाबला हो रहा है, बट इंटरनेशनल पिचेस है, इंटरनेशनल के हिसाब से खेल रहे हैं, तब इन लोगों की परफॉर्मेंस अभी आप लोगों के सामने है। ऑस्ट्रेलिया के क्लब क्रिकेटर का आप माइंड सेट चेक करें, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेते। सिर्फ दो प्लेयर, एक ने सेंचुरी ठोक दी, एक ने 50 ठोक दी, सिर्फ दो प्लेयर ने 157 रन बनाए, और हमारे 11 के 11 प्लेयर 170 रन नहीं बना सके, 30 रन से हम हार गए हैं क्लब क्रिकेटर से। हमारे जो बैट्समैन थे वो बुरी तरह पिटे हैं, वहाँ पर फ्लॉप रहे हैं, जो हमारे बॉलर थे जो हमारी मेन टीम से खेलते थे, जाहिर बात है उस पर उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है, अब्बास अफरीदी, उसने 50 की है, उसने थोड़ी बहुत फाइट की है, 57 रन बनाए हैं, लेकिन दूसरे जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने सिर्फ गंद ही किया है। साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस चेक कर लें जी आप, बहुत चर्चा हो रही थी इसको टीम में शामिल नहीं किया जाता, 8 गेंदे खेली हैं इसने, सिर्फ 2 रन बनाए, टेस्ट मैच खेल रहा था वो लगता है। कैप्टन दी लेजेंड मोहम्मद हारिस 11 गेंदे खेली, सिर्फ 19 रन बनाए, छक्का कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आते हैं उमर बिन यूसुफ, 7 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान खान अपने पांव पर खुद ही कलाड़ी मारने वाला फर्स्ट प्लेयर ऐसा है, 32 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों पर। मुबशर खान 18 रन,
अब्बास अफरीदी जिसने थोड़ी बहुत फाइट की, 54 रन्स बनाए 29 गेंदों पर। उसके बाद लाहौर कलंदर का प्लेयर एक जहान दाद खान एक रन्स बना सके, आरिफ याकूब 15 रन्स बनाए, मोहम्मद इमरान 11 रन बनाए। ऑल टीम आउट हो गई थी 167 रन्स पर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया क्लब क्रिकेटर की बात करें तो उनके दो प्लेयर ऐसे, एक जैक और हैरी, इन लोगों ने, एक ने 104 रन्स बनाए 170 के स्ट्राइक रेट से, एक ने 51 रन्स बनाए 160 के स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान की बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लें, मोहम्मद इरफान ने 3 ओवर कराए 29 रन्स दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवरों में क्लब क्रिकेटर से वो पिटा है बुरी तरह, 50 रन्स खाए 12 की इकोनॉमी से। आरिफ याकूब 4 ओवर 20 रन्स, कोई विकेट हासिल नहीं की। फैसल अक्रम 4 ओवर कराए 58 रन्स दिए, सिर्फ 2 विकेट हासिल की, 14.5 की इकोनॉमी से रन दिए इसने। मुबशर खान 2 ओवर कराए 10 रन्स, जहानदाद खान ने 3 ओवर कराए 27 रन्स दिए 9 की इकोनॉमी से। मोहम्मद हारिस पाकिस्तानी टीम की तरफ से एक बार ये कैप्टन नहीं बने, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिर्फ एक बार नहीं खेले, इसके पास पहले भी एक्सपीरियंस था। 2 से 3 साल लगातार पाकिस्तानी शाहीन की टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बुरी है। वहाँ पर जाकर पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। दूसरे प्लेयर पर बात करने से पहले कैप्टन पर बात कर लें, बहुत ही ज़रूरी है। मोहम्मद हारिस कैप्टन है, कितना ये टीवी पर इंटरव्यू आप इसका चेक करें, मैं किसको फेस करना चाहता हूँ, मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूँ, मैं किसको फेस करना चाहता हूँ, मैं मार्क वुड को फेस करना चाहता हूँ। भाई आप क्यों फेस करना चाहते हैं, आगे से सवाल का जवाब दिया मोहम्मद हारिस ने। अच्छे बॉलर को पीटने में दुनिया याद रखती है, ये नहीं कहा कि यार मैं कंट्री की तरफ से खेलना चाहता हूँ, कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दुनिया याद रखती है। जब आप अपने लिए बारे में सोचते हो, सेल्फ लेस नहीं रहोगे, जैसे रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तब आप ऐसे जलील होगे। आपको टीम में शामिल किस लिए किया गया था, कि आपको दुनिया याद रखे इसलिए शामिल किया गया था, या पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए शामिल किया गया था। इंटरव्यू इन लोगों की मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, पिक्चर इनसे बनवा लो, वीडियो इनसे बनवा लो, हर वो काम क्रिकेट को छोड़ के जो काम भी करवा लो इसे, उसमें ये 100% एफर्ट दे रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट में ये फेल हो रहे होंगे। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो शाइन टीम के प्लेयर हैं उनको आप कैसे देखते हैं? साहिबजादा फरहान को चांस दिया गया लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका, मोहम्मद हारिस उसमें शामिल है, उस्मान खान उसमें शामिल है, हसीबुल्ला उसमें शामिल है, अब्बास अफरीदी उसमें शामिल है, बड़ा बड़ा नाम उसमें शामिल है जो पाकिस्तान टीम की तरफ से ऑलरेडी खेल चुके हैं। इन लोगों को एक मैच नहीं हारना चाहिए था, एक मैच भी नहीं हारना चाहिए था क्लब क्रिकेटर से, लेकिन इनकी उनके सामने भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।